आपको बताने वाला हूँ कि नॉर्थन कोलफील्ड्स में जो पैरामेडिकल्स कैटेगरीज के वैकेंसी आए हुए हैं उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ हो चुका है 15 फरवरी से। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का कहना था कि पेमेंट्स कैसे करना है, इसमें फॉर्म क्या भरना है, तो चलिए एक एक करके आपको मैं शुरू से अंत तक बताता हूँ फ्रेंड्स, और आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ओपन कर लेना है nclcil.in। इसको ओपन करने के बाद आपको नॉर्थन कोलफील्ड्स का होम पेज आ जाएगा, जहां आपको कैरियर के ऊपर में क्लिक करने के बाद जब आपको भर्ती के ऊपर क्लिक करना है, तब आपके सामने ऐसे रिक्वायरमेंट्स का ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन आवेदन करें जो पैरामेडिकल संवर्ग के विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती हेतु रोजगार अधिसूचना आया हुआ है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, इसमें कई स्टेप हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप केयरफुली एडवर्टाइजमेंट को आप पढ़ लीजिए। दूसरा है रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, इसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको फिल करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसमें सबसे पहले फिल करने से पहले आप जितने आपको जरूरत है वो सारे चीज होना चाहिए, जैसे स्कैन कलर, पासपोर्ट फोटो, सेल्फ साइन ऑन बॉटम द फोटो विथ नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स एंड ऑल एजुकेशन टेक्निकल प्रोफेशनल मार्क्सिट्स एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये सारा चीज होना चाहिए। इसके बाद पेमेंट्स और एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन, और STSC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को कोई एग्जाम फीस नहीं देना है। द लिंक पेमेंट अवेलेबल इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है इसका लिंक, और स्टार्ट फिलिंग एप्लीकेशन विद नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और इत्यादि। और इसके अलावा जो सेलेक्ट मिनिमम एजुकेशन टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यस आर नो एंड अपलोड रिसेंट स्कैन कॉपी ऑफ योर फोटोज एंड सिग्नेचर आफ्टर कंप्लीट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन दे सिस्टम जनरेट एप्लीकेशन आईडी आपको मिल जाएगा एंड अलोंग विद फिल्ड एप्लीकेशन पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। प्रोसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पहले ही अभी आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो होने की वजह से फॉर्म यहाँ देख रहे हैं राउंड राउंड कर रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से थोड़ा स्लो चलता है, हमें वेट करना पड़ेगा। मैंने प्रोसेड किया था फ्रेंड्स, मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहा हूँ और ना ही पॉज करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो फिर से मैं इसको एक बार कट कर देता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ से फिर से ओपन करता हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये ओपन हुआ, इसके बाद नीचे आते हैं, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, ये हमारा देखिए यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिया है और यहाँ रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन में आपको नाम भरना है, पूरा फिल नेम करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार कार्ड, ईमेल आईडी यूज टू लॉग इन, आईडी फर्दर लॉग इन पर्पज के लिए दिया हुआ है, फिर मोबाइल नंबर आपका, पोस्ट किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का यहाँ नाम आपको डालना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके बाद आप यहाँ पासवर्ड डाल सकते हैं, पासवर्ड आपको 6 अंकों का मिनिमम रखना है, जिसमें आपको वर्ड्स बनाना है और अंक डालना है, और इसमें एक स्पेशल जो यहाँ दिया हुआ है, कोई सा भी आप इसमें से स्पेशल कैरेक्टर को यहाँ 6 अंकों का बना के, इसके बाद यहाँ से कंफर्म करके फिर आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ रजिस्टर करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। यहाँ मोबाइल नंबर मेरा इनवैलिड बता रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ मोबाइल नंबर फिर से आप मेरे को यूज करना है। ये मेरा मोबाइल नंबर, इसके बाद ईमेल एड्रेस नंबर, अच्छा वो वहां मेरे को ये डालना है फ्रेंड्स, यहाँ आधार नंबर अपना डालना है, ये हो गया आधार नंबर। इसके बाद यहाँ करना है हमें इनवैलिड आधार नंबर बताता है,
इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पोस्ट, चलिए मैं स्टाफ नर्स, इसके बाद पासवर्ड, तो पासवर्ड में चलिए मैं आपको बता देता हूँ 5 6 7 8 9 10, इसके बाद यस किया फ्रेंड्स मैंने, एक एस किया और एट द रेट डाला। इसके बाद आप भी कुछ भी कर सकते हैं, फिर से उसको री इंटर करना है फ्रेंड्स। इसके बाद आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ रजिस्टर के ऊपर में क्लिक करेंगे, रजिस्टर के ऊपर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ओटीपी आ जाता है मोबाइल नंबर पे, फिर वेरीफाई ओटीपी कर देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ ओटीपी वेरीफाई कर देता हूँ, तो यहाँ क्लिक कर लेता हूँ ओटीपी, इसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर लेते हैं फ्रेंड्स। जब ये हमारा वेरीफाई हो जाता है इसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ से लॉगिन करके देखते हैं फ्रेंड्स और आगे का स्टेप करते हैं। जब आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद आपको जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी से आपको यहाँ इंटर करना पड़ेगा, इसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डालना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया और यहाँ कैप्चा दिया है 5 × 10, तो ये हो जाएगा 50। इसके बाद यहाँ गो कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स मेरा अब ये ओपन हो चुका है फॉर्म, तो यहाँ मैंने ओपन किया था, मेरा यहाँ ईमेल आईडी आप देख रहे हैं, इस ईमेल आईडी के थ्रू मैंने इसको ओपन किया था, तो ये हो गया है। तो यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, यहाँ अप्लाई का ऑप्शन आएगा, जब फ्रेंड्स आप सक्सेसफुली लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं अप्लाई नाउ के ऊपर में क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया अप्लाई नाउ। अब फ्रेंड्स आपकी बारी आती है, यहाँ फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ शो कर रहा है, यहाँ फिलिंग अप्लीकेशन फॉर्म, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर क्लिक करूं तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट्स करने के लिए फ्रेंड्स ये लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर फॉर पेमेंट्स, तो आपको यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज यहाँ दिखा देता हूँ, आपको फिलअप क्या करना है। तो आपको फिलअप करना है नोट सेलेक्ट स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन एज, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन में मध्य प्रदेश, एंड टाइप ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन में PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एक क्लिक करना है। यहाँ देखिए आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद सेलेक्ट कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन पे आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है मध्य प्रदेश, तो इसको नीचे जाएंगे नीचे फ्रेंड्स, तो यहाँ जो आप मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में क्लिक करके गो करना है। ये गो करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट PSU, तो आप अभी किस में अप्लाई कर रहे हैं, तो NCL रिक्वायरमेंट्स रिक्रूटमेंट्स है, तो इसमें क्लिक करना पड़ेगा आपको। इसके बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये करने के बाद फ्रेंड्स सेलेक्ट कैटेगरीज, तो आपको एप्लीकेशन फीस पैरामेडिकल आपको यहाँ ऑटोमेटिक शो कर रहा है। इसके करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ अपना नाम फिलअप करना पड़ेगा, तो चलिए मैं यहाँ अपना नाम फिल कर देता हूँ, शैलेश कुमार। इसके बाद मेरे पिताजी का नाम, इसके बाद नेम ऑफ पोस्ट, तो मैंने यहाँ स्टाफ नर्स, इसके बाद जेंडर, सॉरी गलती से फीमेल हो गया, मेल, एंड इसके बाद कैटेगरीज, तो यहाँ मैं चलिए जनरल। इसके बाद EN नोटिफिकेशन जो 25 जनवरी को निकला हुआ था वही है जो हमारा, इसको आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ
हैव यू कंफर्म्ड योर एलिजिबिलिटी फॉर पोस्ट, तो आपको यस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ कुछ एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो यहाँ एप्लीकेशन फी लिख सकते हैं या कुछ रिमार्क्स लिखना है लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे अब आएंगे और नीचे तो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ था फ्रेंड्स, इस इंस्ट्रक्शन को भी आप पढ़ लें आसानी से। ऑल एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द प्रोविजंस ऑफ कंसर्ट डिटेल्स एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन एंड सेकेंड एंट्रीज रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग पेमेंट्स आर फॉर रेफरेंस ओनली, डेट फॉर एसेसिंग द एलिजिबिलिटी इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग एज ईटीसी मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑन द लास्ट प्रिस्क्राइब डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फीस टू बी पेड बाई जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ओनली एंड नो फीस इज पेबल बाई एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, जो फिजिकल हैंडीकैप है, एसटी एससी है और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, उनके लिए कोई फीस नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ फिर से अपना नाम फिलअप करना पड़ेगा, तो चलिए मैंने नाम फिल कर दिया है और यहाँ मोबाइल नंबर मेरा फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिर से आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ इसको आपको यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट जैसे ही करेंगे फ्रेंड्स यहाँ आपको एक बार और देखने को वेरीफाई करने को बोला जाता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं और जो अगर मिस्टेक हो तो इसको फिर से आप सुधार सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं नेट बैंकिंग दिया हुआ है, जो नेट बैंकिंग या अदर बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग स्टेट बैंक का हो या फिर अदर कार्ड से जो पेमेंट है फ्रेंड, उसमें जो डेबिट कार्ड है वो इसमें इनेबल्ड नहीं है, डेबिट कार्ड से आप नहीं कर सकते। कोई भी डेबिट कार्ड या अदर कोई भी बैंक का डेबिट कार्ड हो इससे नहीं कर सकते, बट क्रेडिट कार्ड जो है उससे आप कर सकते हैं पेमेंट, क्रेडिट कार्ड से या प्रीपेड कार्ड बैंक चार्ज जिसमें 12.98 रुपए लगेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो अदर पेमेंट मेथड में देख सकते हैं SBI ब्रांच, तो SBI ब्रांच में आपको 59 रुपीज चार्जेस देने पड़ेंगे, या NFT RTGS के माध्यम से कर सकते हैं या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हैं। UPI आपको यहां टाइमिंग देख सकते हैं 22:30 आवर्स से लेके 23:30 आवर्स तक रहेगा। मतलब इसमें 22 से लेके 23 बजे तक, मतलब 10:30 से लेके 11:30 के बीच में आपके पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगा फ्रेंड्स, बाकी टाइम में ये आपके पास रहेगा। इससे आप पेमेंट कर सकते हैं, तो जैसे मैं यहाँ क्लिक हियर करूंगा, क्लिक हियर करने के बाद यहाँ अमाउंट ऑटोमेटिक आ जा रहा है। यहाँ देखिए सब कलेक्ट रेफरेंस नंबर, यही आपका रेफरेंस नंबर आपको वहां फिलअप करना पड़ता है। तो चलिए मैं इस रेफरेंस नंबर को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ पहले ही। तो फ्रेंड्स ये रेफरेंस नंबर कॉपी नहीं हो रहा है, बट इस रेफरेंस नंबर को हम लिख सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो रेफरेंस नंबर है यहाँ आप देख सकते हैं मेरा है DUC75158 51। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ देख सकते हैं VPA या QR कोड, दोनों में से किसी भी मेथड में आप कर सकते हैं। QR कोड करेंगे तो यहाँ QR का कैप्चा आ जाएगा, यहाँ नेटवर्क, ये देखिए नेटवर्क, अब 5 मिनट के टाइम में आपको QR से कंप्लीट करके देना है। तो चलिए मैं यहाँ पेमेंट के मेथड के बारे में तो आपको बता दिया, जब पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ आपको फिर से आना है एंड यहाँ आई हैव गॉन, इसके बाद आई एम रेडी के ऊपर क्लिक करके यहाँ अप्लाई, आई एम रेडी टू अप्लाई कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है, जिसमें आपका पहला नाम, लास्ट नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, फिर आपके कैटेगरीज, जेंडर, रिलीजियन, हिंदू हैं या फिर क्या हैं, इसके बाद एक्स सर्विसमैन है या नहीं, फिजिकल हैंडीकैप है यस या नो,
एंड डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन यस आपको करना पड़ेगा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में भी यस टिक करना पड़ेगा, यस नो ऑप्शन है, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन अर्थात रजिस्ट्रेशन है तो यस करना पड़ेगा, आप डिपार्टमेंटल हैं यस तो अगर है तो यहाँ करने के बाद यहाँ सैलरी और एम्प्लॉय नंबर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ सैलरी देख सकते हैं, सैलरी का ऑप्शन दिया हुआ है एंड एम्प्लॉय नंबर है, तो अगर नहीं है तो आप इसमें नो कर दीजिए, फिर इसको आपको फिलअप नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां आ जाएंगे, आपको एग्जाम सेंटर चूज करना पड़ेगा, पहला और दूसरा तो सिर्फ दो ही ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन में जो चूज करना है, एग्जाम का लैंग्वेज, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन, तो यहाँ मैंने अपना एड्रेस फिलअप कर लिया है मोबाइल नंबर के साथ, अगर सेम एड्रेस है परमानेंट तो यहाँ टिक कर दीजिए, परमानेंट ऑटोमेटिक यहाँ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो फ्रेंड्स जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन है जो आपके जिले पर रोजगार कार्यालय होता है वहाँ जो रजिस्ट्रेशन होता है उसे यहाँ फिलअप करना पड़ेगा, तो यहाँ देख सकते हैं मैंने बलरामपुर का डाला हुआ है 2018 पे, इसको सर्च मैंने यहाँ से किया था फ्रेंड्स, देखिए तो यहाँ छत्तीसगढ़ का जो एक्सचेंज है वो मैंने यहाँ फिलअप किया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक्सचेंज, तो यहाँ ई रोजगार मेला, तो इसी के अंतर्गत जो अपना रोजगार कार्यालय होता है वहां से मैंने इसको नंबर को लिया है, तो ये नंबर को आपको फिलअप करना है, एक्सचेंज जो नेम ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन होता है वहां का एक्सचेंज का नेम होना चाहिए, कहाँ कौन किया है, इसके बाद ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके बाद फीस का डिटेल, तो फ्रेंड्स अभी मैंने फीस का आपको दिखाया था, यहाँ रेफरेंस नंबर मैंने डाला हुआ है, डेट डाला हुआ है, एसबीआई ऑटोमेटिक है दिया हुआ है, इसके बाद आई डू हियर बाय डिक्लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है, टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में आपको क्लिक करना है, तो चलिए मैंने कर लिया और यहाँ देखिए प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ एग्जामिनेशन पास्ड स्ट्रीम ईयर ऑफ पासिंग ए योर क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स पूछा जा रहा है, तो ये मैट्रिक्स के ऊपर में आपको टिक कर लेना है एग्जामिनेशन पास्ड, तो ये 2010 स्ट्रीम ऑल सब्जेक्ट फ्रेंड्स अभी ये लोडिंग ले रहा है, अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, थोड़ा मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं, यहां टिक करना पड़ेगा एग्जामिनेशन पास, तो यहां आप कर लीजिए 10th, इसके बाद यहां स्ट्रीम ऑल सब्जेक्ट, इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज, इसके बाद बोर्ड CGBSE छत्तीसगढ़ से हूँ फ्रेंड्स मैं, कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर, रेगुलर कोर्स परसेंटेज 84, एड रो के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से अब टिक लगाएंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ 12th साइंस, फ्रेंड्स आपको जो जो दिया हुआ है आप उसको आप यहां कर सकते हैं, इसके बाद फिर से एड रो के ऊपर आपको क्लिक करना है, इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ कर लेना है DMLT जो भी आपका है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ BSc नर्सिंग
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आई डू के ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। आपका क्वालिफिकेशन होने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, अभी मेरा फॉर्म फिलअप होके ओपन हो चुका है। अब यहाँ कंफर्म आपको करना पड़ेगा, तो कंफर्म आप जब कर देते हैं, चलिए मैं यहाँ कंफर्म कर देता हूँ। डिड यू चेक, तो आपने चेक कर लिया है, तो यस ओके चेक कर लिया है। इसके बाद यहाँ चूज फोटो यहाँ अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो चलिए मैंने एक फोटो चूज कर लेता हूँ जो 50 KB से कम का होना चाहिए फ्रेंड्स, इसको अपलोड कर देते हैं, जिसमें आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। जो पूरा आप डेमो देख चुके हैं फ्रेंड्स, डेमो आप देख लेंगे, और मैंने सिर्फ अभी डेमो के लिए एक आपको बताया है फ्रेंड्स। तो ये अपलोड हो रहा है, इसके बाद रिसेट हो रहा है, प्रोसेस में है, देख सकते हैं यहाँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड्स, वीडियो को मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, आप देखते रहें लास्ट तक। थोड़ा ज्यादा ही समय लग रहा है फ्रेंड्स, तो अभी मैं पॉज कर लेता हूँ यहाँ पास। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक फोटो अपलोड हो गया है। अब यहाँ सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो यहाँ चूज फाइल कर लेते हैं। चूज फाइल करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ फोटो के बाद सिग्नेचर, तो मैंने यहाँ डेमो के लिए कर दिया, इसको भी यहाँ अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये अपलोड हो गया सक्सेसफुली ओके। अब यहाँ प्रोसेस जारी है फ्रेंड्स, अभी ऊपर में देख सकते हैं आप स्क्रॉल हो ही रहा है, हम वेट करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो काफी लंबी होते जा रही है फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं मेरा वीडियो अभी 23 मिनट का हो चुका है फ्रेंड्स, बट आपको मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो फॉर्म फिलअप करने पे। तो फ्रेंड्स आपको फोटो के लिए आपने पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ चुका है, आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, उसके नीचे आपका नाम और साइन होना चाहिए, इसके बाद वो भी 50 KB से कम का होना चाहिए, सेम वही है सिग्नेचर लेटेस्ट होना चाहिए, वो भी 30 KB से भी कम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ इसको मैं कट करता हूँ यहाँ, और फिर से यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हो चुका है। देखिए हम लोग का अपलोड, यहाँ आई डू हियर बाय क्लिक कर लेना है, इसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी ये भी अभी भी मूव कर ही रहा है, इसके नीचे नेक्स्ट का कोई ऑप्शन अभी शो नहीं कर रहा है, थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ हम लोग का फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुका है, अगर इसको आप देखना चाहें तो यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, बट मैं अभी और प्रोसेस को हैंग नहीं करना चाहता फ्रेंड्स, क्योंकि अभी प्रोसेस हम लोग का चालू है। आई डू हियर बाय डिक्लेरेशन दैट द अबव इंफॉर्मेशन एज फर्निश्ड बाय मी एंड ट्रू, आई डिक्लेयर दैट आई हैव गॉन थ्रू द कंसर्न एम्प्लॉयमेंट्स नोटिफिकेशन एंड फुल्ली अंडरस्टूड ऑल प्रोविजंस टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्रोसेसिंग द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइड द, इसको आप केयरफुली पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए एक बार और इसको मैं यहाँ कट करता हूँ और फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स, ताकि जल्दी से आ जाए प्रोसेस। ये देखते हैं फ्रेंड्स ये कंप्लीट आ चुका है, अब यहाँ सबमिट के ऊपर में क्लिक करेंगे, तो यहाँ बोल रहा है अगर आर यू वांट टू सबमिट फॉर्म दिस ऑन सबमिट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, तो ओके कर दीजिए, इसके बाद ये हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, तो ओके आप क्लिक कर दीजिए। अब व्यू एप्लीकेशन, अब व्यू एप्लीकेशन क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन यहाँ प्रिंट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ मेरा एप्लीकेशन नंबर आप देख सकते हैं, मैंने सब कुछ यहाँ आपको शो करके रखा है, तो यहाँ व्यू एप्लीकेशन में कर सकते हैं। अब देखिए हमारा ये जो है एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं यहाँ नीचे आके, यहाँ भी पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर लिए। यहाँ फोटोज, तो फ्रेंड्स मैं अभी वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब,
ऐसे लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को भी दबा लीजिए, और मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।